नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। पूरे देश में इस वक्त बहस चल रही है चोर बनाम चौकीदार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 लाख चौकीदारों से बात की है। 31 मार्च को वो फिर से चौकीदारों से बात करेंगे, 500 से ज़्यादा वीडियो कॉलिंग करेंगे। वहीं कांग्रेस काफ़ी समय से कह रही है चोर ही चौकीदार है, और अब उसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया है कि मैं भी चौकीदार। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, कि क्या नरेंद्र मोदी चौकीदार हैं या जैसा कि कांग्रेस कह रही है चोर है। और इसने सोशल मीडिया पर एक वार सा छेड़ दिया, एक युद्ध सा छेड़ दिया है। बहुत सारे लोग चौकीदार को चोर बता रहे हैं और बहुत सारे लोग खुद को चौकीदार घोषित कर रहे हैं। व्यंग कसे जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, और तमाम सारे राजनीतिक मुद्दे इस वक्त नेपथ्य में चले गए हैं। अगर कोई मुद्दा हावी है तो वो है चोर बनाम चौकीदार। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है युवा उद्योगपति प्रतीक संघवी। आप दो कॉलेजों के संचालक हैं, कौशल विकास केंद्र का काम करते हैं, दिल्ली कॉलेज से पढ़े हुए हैं और काफ़ी डायनेमिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण खारीवाल, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, लंबा अनुभव है पत्रकारिता का और राजनीतिक रिपोर्टिंग का। हमारे तीसरे मेहमान हैं राजा शर्मा, जो नियमित डिबेट में हमारे हिस्सेदार होते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं और लगातार अपने कॉलम के माध्यम से दर्शकों से और शोध पाठकों से रूबरू रहते हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजा शर्मा जी, बहुत गंभीर मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं, बेरोजगारी का, मंदी का, जीएसटी का, नोटबंदी का, खेती का, किसानी का, गरीबी का, भूख का, और मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है मैं चोर हूँ, मैं चौकीदार हूँ। क्या भारतीय राजनीति की सेहत के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक है? सर देखिए, 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अब उन मुद्दों पर राजनीति और चुनाव होने लगे हैं जिनका मोर देन 85% लोगों से सरोकार नहीं है। दरअसल क्या हो रहा है, जो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियस है। दरअसल हो ये रहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टियां और चुनाव इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की गिरफ्त में है। आपने मुद्दों की जिक्र करी, मुद्दा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास कभी नहीं होता है, उनको अपनी दुकान चलाना होती है। आपको थोड़ा पीछे जरूर जाना पड़ेगा, जब आप 2019 की बात करो तो 2014 में भी अपने पास डिस्कस करना पड़ेगा कि 2014 का जो चुनाव था एक केवल चाय वाले पर केंद्रित था और वो चाय वाले ने बीजेपी को सत्ता में ला दिया। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उनको मालूम था कि जिस चीज़ पर मोदी पर अटैक किया जाता है उसी की USP बनाओ, उसी को मार्केट करो और उसी भाषा में उनका जवाब दो। तालकटोरा स्टेडियम में जब मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ये चाय वालों की दुकान यहाँ लगा दी जाएगी, वहीं से उन्होंने इसको पिक कर लिया। मैं उससे भी पीछे ले जाता हूँ, जब गुजरात में चुनाव हो रहा था जी, और सोनिया गांधी ने उनको हत्यारा कहा था, मौत का सौदागर जी, मौत का सौदागर कहा था, जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी वो जी। तब उन्होंने उसी को USP बनाते हुए कहा था कि हाँ मैं मौत का सौदागर हूँ, मारी ना का जी, वो जो एक एनकाउंटर को लेके बात हो रही जी, 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 तो ये मोदी की पुरानी स्ट्रेटेजी है कि आप जिस मुद्दे पे मुझे हमला करोगे मैं उसको स्वीकार करते हुए आपको जवाब। यस सर। तो देखिए, अब दो आपने मौत का सौदागर का जिक्र किया, उसके बाद हाथ खून से हाथ सने हुए हैं, रंगे हुए, ये सब डायलॉगबाजी होती रही। दरअसल क्या हो रहा है, अब नेताओं के समझ में आने लगी कि कौन सी हेडलाइंस बिकेगी, कौन सी TRP वैल्यू क्रिएट करेगी। सर देखिए, अभी आप जब ऑफ रिकॉर्ड चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा था ना कि जर्नलिज्म किस दिशा में जा रहा है। पहले फ्रंट पेज पे क्या छपता था उसकी गंभीरता अलग हुआ करती थी, अब फ्रंट पेज पे क्या छपता है इसकी सीरियसनेस ये देखी जाती है कि इसकी TRP वैल्यू कितनी है। जो टेलीविजन में TRP है वही अखबारों की ऑडियंस रीडेबल TRP हो गई है सर। तो चौकीदार, मैं चौकीदार हूँ या चौकीदार चोर है, ये एक डिबेट का विषय देश के अंदर पिछले असेंबली इलेक्शन के पहले से चल रहा है।
लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये डिबेट का विषय लोगों को अट्रैक्ट कितना करता है, लोगों के माइंडसेट को कितना हैमर करता है, कितना उनके जिगर में उतरता कि नहीं, ये वाकई मुद्दा तो बड़ा है। देखिए, इस देश के अंदर समय समय से मुद्दे बदल रहे हैं, चौकीदार, राफेल, राम मंदिर और अब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो गया है। समझ लीजिए आप, जब से अपन ने एयर स्ट्राइक किया है, भारत पाकिस्तान के बीच में कंटेस्ट हो गया है कि नहीं, अब मुद्दा बदल गया है देश का। तो बीजेपी आपको उसकी भाषा में जवाब देती है जिसको आप लिफ्ट करते हो। ये बीजेपी का स्टाइल है, वो मार्केटिंग का काम करते हैं, वो उन्हें मालूम है। बीजेपी पूरा चुनाव इवेंट मैनेजमेंट के सारे लड़ती है सर, आप ध्यान रखिए आप। तो इसलिए पहले चाय पे चर्चा चलाई गई और अब चौकीदारों से चर्चा चलाई यस जा सर, रही है। बिल्कुल। आज जो हुआ, 31 मार्च को फिर होना है। ये पूरा आप में एक इंस्पिरेशन का भाव पैदा करेंगे कि आप देश के चौकीदार हो, और आप नरेंद्र मोदी के नहीं, आप भाजपा के नहीं। जिस तरह से लोगों ने एक दिन में 24-25 लाख लोगों ने लगा दिया कि हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, जी तो जी लगा कि ये नारा बहुत लोकप्रिय हो गया है। देखिए, लोकप्रिय, देखिए, जो व्यक्ति करेगा ना, जो पार्टी करेगी, उसको तो लगेगा ये बहुत अच्छा है। उसको दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आज आपके सरदर्द बना हुआ है, अच्छे दिन आए कि नहीं आए, हर आदमी आपसे पूछेगा। तो जब आप किसी को चौकीदार बनाते हो, तो साहूकारी का हिसाब भी तो आपसे ही मांगा जाएगा ना, फिर किससे मांगा जाएगा? जब देश यदि बोलेगा हम सब चौकीदार हैं, तो आपको जब सबको चौकीदारी करना है, तो साहूकारी का हिसाब भी मांगा जाएगा आपसे सर। प्रवीण खारीवाल पहले कहा कि मैं चाय वाला हूं, फिर इन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूं, तो अपनी छवि बदलते रहते हैं, अपनी भूमिका बदलते रहते हैं। पिछले चुनाव में चाय वाले थे, अब चौकीदार हैं, और कुछ विपक्षी कह रहे हैं कि ना तो ये चाय वाले हैं ना ये चौकीदार हैं, ये चंपी वाले हैं, तेल लगाएंगे और निकल जाएंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि एक दक्ष राजनेता हैं नरेंद्र मोदी, और भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि सामने वाले के तीर से उसी को लहूलुहान कर दिया जाए। इंदिरा जी ने भी 70-71 के चुनाव में यही टेक्टिस अपनाई थी, जब वो नारा दिया था, संपूर्ण विपक्ष उस समय एकत्रित हुआ था 71 में, और एक नारा दिया था कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो फिर इंदिरा जी ने पलटवार करा था कि इंदिरा बचाओ गरीबी, हटा गरीबी बचाओ, इंदिरा गांधी ने कहा मतलब था कि उसको, मैं गरीबी हटाना हाँ, चाहती हूँ, ये मुझे हटाना मुझे चाहती हटाना है। चाहते हैं, तो उनने उसको ट्विस्ट कर दिया था। तो सेम वैसा ही पेतरा इस बार नरेंद्र मोदी ने अपनाया है, और मुझे लगता है कि चोरवारी जो कहावत है उसको उन्होंने पलट के वापस से उसका तीर कांग्रेस और विपक्ष की तरफ कर दिया है। दरअसल जनता इस मुद्दे पर कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि कांग्रेस की यूपीए सरकार में जो बड़े बड़े घोटाले हुए थे वो जनता की निगाह में अभी भी हैं, वो विस्मृत नहीं हुए हैं। और जनता को लगता है कि जो बड़े घोटालेबाज हैं, जो बड़े चोर हैं, उनको क्या हक है ये सब बातें करने का। और इक्का दुक्का यदि हम मामले छोड़ दें राफेल के, और इक्का दुक्का मामले छोड़ दें, तो बीते 5 साल में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि जिसमें आप नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सको। और राफेल एक ऐसी चीज़ है जो आम जनता को एकदम से अभी भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, 1-2-5% लोग हैं जो राफेल को समझते हैं, राफेल की डील को समझते हैं, और अंबानी से क्या समझौता हुआ है वो समझते हैं, बाकी कल ओवरऑल से तो ये लोग कहने लगे हैं कि अगर अंबानी को जनता की तीस नज़र कर में है। कल से तो लोग ये कहने लगे कि अगर अंबानी के पास 30,000 करोड़ रुपए होते, हाँ, तो तो वो वो भी क्या भाई से 500 करोड़ पाँच रुपए सौ करोड़ लेता और हाँ जेल जाता? बिल्कुल कल से सही तो लोग बात। ये भी कहने लगे। जी तो बिल्कुल वो सही उनके मुंह से सुनना अच्छा नहीं लग रहा है ये बात, यदि कोई कद्दावर नेता मतलब, कहता, चोर के मुंह से दूसरे को चोर सुनना हाँ, अच्छा नहीं वो लगता है। इस मुद्दे पे जाके लोग ये कांग्रेस को आला चोर पार्टी मुद्दा मानते खारिज हैं, कर देते हैं, इस लोग मुद्दे पे कांग्रेस को खारिज कर चोर पार्टी देते हैं कि मानते भाई हैं। आपने क्या करा, भ्रष्टाचार को लेकर आपने कांग्रेस इतने की सालों यूएसपी तक, अच्छी नहीं हाँ, है। आपने इतने सालों तक क्या करा, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। और लगातार गांधी परिवार और कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता लगातार घेरे में हैं इस समय, तो वो इस समय उनके मुंह से सुनना शोभा नहीं दे रहा। और जहाँ तक मैंने बताया कि इंदिरा जी वाला 71 में हुआ, तो इस तरह के नारे चलते रहे हैं। 77 में भी नारा एक कामयाब हो गया था विपक्ष का, तेल वाला खा गई शक्कर पी गई तेल, तो वो उस समय कारगर हो गया था। कांग्रेस के तो देखो हाँ, खेल, पर वो मुझे ऐसा लगता है कि ये नारे उस समय कारगर होते हैं जब सामने वाला नेता कमज़ोर हो, उस पर वो तीर चल जाता है। 71 में नहीं चला, इंदिरा जी मजबूत थी तो वो खारिज हो गया। 75-77 में एक बार वो नारा क्योंकि वो चल गया, इमरजेंसी का आक्रोश था। हाँ, वो आक्रोश था, तो वो एक नारा काम कर गया। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी कहीं से कहीं कमज़ोर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई उन्हें तकलीफ
होने वाली नहीं। हाँ, ये बात जरूर सालती है कि देश में एन वक्त पर चुनावी मुद्दे बदल जाते हैं, कभी प्याज पे चुनाव हो जाता है, कभी पेट्रोल पे हो जाता है, कभी इंडिया शाइनिंग पे हो जाता है। तो जब आदमी 5 साल काम करता है, अप्रैल और लगभग परफॉर्मेंस देता है, तो उन पर क्यों नहीं बात होती, उन पर चुनाव क्यों नहीं होती, ये हमारी भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। आपका मतलब है कि 2 महीने में हो सकता है कि चोर चौकीदार का मुद्दा हट जाए और कोई नया कुछ और भी आ जाए, और वो जो भी आएगा वो गैर गंभीर रहेगा। मैं इसको कोई गंभीर मुद्दा नहीं मानता हूँ। जैसे प्याज पे चुनाव हो गए हैं, पेट्रोल की कीमतों पर चुनाव हो गए हैं देश में, छोटे छोटे मुद्दे पर चुनाव हो जाते हैं, और 5 साल जो काम कर रही सरकार उसकी गिनती कोई नहीं करता कामों की। प्रतीक संघवी हमारे साथ मौजूद हैं, उद्योगपति हैं। प्रतीक, ये कहना बहुत समय से कांग्रेस कह रही थी कि चौकीदारी चोर है, चौकीदार चोर है, और उसको उन्होंने जवाब जिस तरह से जवाब दिया, टैगिंग जो राजेश शर्मा कह रहे थे, जो प्रवीण खारीवाल कह रहे थे, कि आरोप को ही उन्होंने हमला बना दिया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं चौकीदार हूँ। तो स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, चूँकि उद्योगपति होने के नाते आप स्ट्रेटेजी को समझते हैं, स्ट्रेटेजी के लोग अगर आप देखें, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब होती दिख रही है आपको? स्लोगन्स जो अभी तक आए हैं, और ये स्लोगन्स आते हैं चुनाव के पहले, चुनाव इन स्लोगन्स के ऊपर जो प्राथमिकता व्हाट्सएप या सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मिलती है, वो जो मेजर मुद्दे हैं उनके ऊपर नहीं होती, वो ऐसे स्लोगन्स के ऊपर चलती है। जो गंभीर मुद्दे, आज रोज़गार के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पिछले 5 साल में हो गया, आज अपन सबसे उच्च स्तर पर हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। क्या किसानों की आत्महत्या बंद हुई, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। क्या किसानों को जो उनके उपज का 1.5 गुना मिलना था उसके ऊपर, क्या दलित पिछड़े वर्ग को अपन उठा पाए अभी तक, क्या अपन महिला सुरक्षा के अंदर आगे बढ़ पाए अभी तक, निर्भया कांड के बाद लॉ लेकर आए, अपन सारी चीज़ कर कर आए, लेकिन क्या इन मुद्दों के ऊपर कोई बात कर रहा है? ये मुद्दे कहाँ चले गए? ये चुनाव के अंदर जो असल के मुद्दे होने चाहिए उसके ऊपर तो आज कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, पर ठीक है, असल के मुद्दों पर बात नहीं हो रही, लेकिन जो एक स्ट्रेटेजी है चुनाव में, तो एक ही उद्देश्य होता है किसी भी तरह से चुनाव जीतना। और अगर जो स्ट्रेटेजी बनाई बीजेपी ने, कि वो बहुत हंगामा हो गया था, चौकीदार चोर, हर सभा में नारे लग रहे थे, तो उन्होंने कहा हम चौकीदार ही हैं और मैं अकेला चौकीदार हूँ, सारे सब लोग चौकीदार हैं। तो ये जो एक स्ट्रेटेजिकल बीजेपी ने जो मूव किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मूव उनका, आपको, आप इसका आकलन कैसे करते हैं? इसके ऊपर अगर अपन बात करें, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर हर आदमी, हर वर्ग का लोग अपने परिवार के लिए एक चौकीदार है। ठीक है, आज कहीं पर भी मेरे परिवार के अंदर कहीं कोई समस्या है तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ। अगर हिंदुस्तान की बात करें, तो गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम से 2019 में जब लोकपाल बन गया, तब तक किसी ना किसी ने आवाज़ उठाई और चौकीदारी करी, तब जाकर आज वो कानून के रूप में या किसी अलग रूप के अंदर लोगों तक पहुंचा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तो पहले से चला आ रहा है, ये आज का तो है ही नहीं। तो ये मुद्दा क्या रहा? आप अगर बोलो कि मैं चौकीदार या आपने मुझे चौकीदार बना दिया, तो मैं अपने परिवार के लिए तो वैसे भी हूँ। राज शर्मा, ये जो पूरा अभियान है, इसमें आपको लग रहा है कि कांग्रेस या बीजेपी की जो वार था चौकीदार वाला, और जिस तरह से इवेंट कंपनी ने नहीं सही या पार्टी के थिंक टैंक ने नहीं सही जो हमला बोला है मैं भी चौकीदार का, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस डिफेंड में आती हुई दिखाई दे रही है या पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, निश्चित रूप से मैं तो प्रवीण जी की बात से बहुत सहमत हूँ। देखिए कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन के जो टैगलाइन है उसको कितनी गंभीरता से लिया जाता है, ये सब्जेक्ट टू एडजुडिकेशन है, डिस्कशंस हैं कि उस समय दौर क्या रहता है। मैं प्रतीक भाई की एक बात को आगे बढ़ाता हूँ, लोकपाल का जिक्र किया ना सर, आपको 2014 के पहले वहाँ पे भी जाना पड़ेगा अन्ना के आंदोलन में, कि अन्ना के आंदोलन ने यूपीए सरकार के करप्शन को एक्सपोज करके रख दिया था। मतलब सड़क पे एलिट क्लास से लेके वर्कर क्लास का व्यक्ति मोमबत्तियाँ जलाने करप्शन के खिलाफ आया था, तो देश का एक सबसे बड़ा आंदोलन वो था जब करप्शन के खिलाफ एक आम जनमानस व्यक्ति सड़क पे उतरा और सुबह शाम मोमबत्तियाँ जलाई और जय हिंद और अपना राष्ट्रध्वज लहराया। एक बात, अब उसका परिणाम 2019 के अंदर आ रहा है और उनको घोष साहब को लोकपाल बनाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को उस जमाने में एडवांटेज क्या मिला कि कांग्रेस हिट विकेट होती चली गई, बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया था एक्सपोज करने के लिए। अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस को एक्सपोज किया, मेलाफाइड इंटेंशन सामने आए
और जैसे जैसे कांग्रेस हीट विकेट होती चली गई, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि जिस पे करप्शन के चार्ज खुद पे लगे हों वो साहूकारी की बात नहीं कर सकता, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये खुद हीट विकेट हुए लोग हैं, इनको किसी ने आउट नहीं किया, ये खुद ही इनकी किल्लियाँ खुद ही गिरी है करप्शन के पार्ट पे। इन्फ्लेशन और करप्शन दो ही हमारे यहाँ ऐसे मुद्दे हैं देश के जो जीवंत रहते हैं 365 दिन। इन्फ्लेशन पे कोई बात ही नहीं कर रहा सर, मुझे बताइए आप, और वो पिछली सरकार इन्फ्लेशन पे चली गई थी। अब मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा और नज़दीक आ जाता हूँ, यही कांग्रेस है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में गवर्नमेंट बनाने के पहले वेट पे बात करा करती थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, आज कोई बात कर रहा है? विपक्ष, ये भाजपा विपक्ष में आ गई जो कम नहीं कर रही थी। सर मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को एकदम नज़दीक ला रहा हूँ आपके कि इन्फ्लेशन की बात कहाँ कर रहा है, जनमानस के मुद्दे उठा कौन रहा है मुझे बताइए। टैगलाइन पे यदि पॉलिटिक्स करोगे तो अच्छे दिन आने वाले हैं, चौकीदार चोर है या हम साहूकार हैं, ये मुद्दे कहने सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वोट की आप बात करने जाओगे तो जो आपका सवाल है कि कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना इंक्लाइन करेगा वोट को, मेरा मानना है इस प्रकार के मुद्दे बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करते हैं। रोजमर्रा के से जिंदगी से जुड़े हुए सवाल, मुद्दे, बेरोजगारी, करप्शन। राजा शर्मा, आपने एक बात कही उसका जवाब मैं प्रवीण जी से लूंगा कि ये रोजमर्रा के मुद्दे नहीं है जो जीवन को, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन को प्रभावित करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, और प्रतीक कह रहे थे महिला सुरक्षा और सब चीज़ें। तो क्या विपक्षी दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन मुद्दों को आगे लाए? विपक्षी दल भी तो ट्रैप हो रही है, बीजेपी जिस तरह की बॉल फेंक रही है, जाल फेंक रही है, उसमें कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल ट्रैप हो जाते हैं। कभी वो सबूत मांगने लगते हैं, कभी वो जवाब चौकीदार चोर का जवाब देने लगते हैं कि भाई उसमें आप चौकीदार हो तो क्या पढ़ लिख के चौकीदारी बनोगे, इस तरह के व्यंग करे जाने लगे हैं। कहा कि पिछली बार चाय वाला था, अब चौकीदार बन गया, पता नहीं क्या बनेगा। तो विपक्षी जिम्मेदारी नहीं है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे उठाएं जिसका जिक्र राजा शर्मा प्रतीक कर रहे थे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को इस समय सब तरफ से फायदे मिल रहे हैं। विपक्ष का बिखराव, केयर गंभीर सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस, जिसको जनता मेरे ख्याल से अभी पिछले साल से थोड़ा सा गंभीरता से लेने लगी है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको थोड़ी सी उनकी छवि में बदलाव आया है, नहीं तो बीते चार सालों में जिस तरह से वो पप्पू के रूप में ख्यात थे, विख्यात थे, उस छवि में अभी थोड़ा सा बदलाव आया है 2-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग खुद ही अपने जाल में फंसते हैं, और इस समय जनता चौकीदार चोर इसके साथ ये भी देख रही है कि कौन सी पार्टी है, चलो ये चोर है तो फिर किसको हम सत्ता की चाबी सौंपें, वहाँ पर आकर सारा गुड़गोबड़ हो जाता है। जिस तरह से विपक्षी महागठबंधन के झगड़े चलते हैं, रोज सीटों को लेकर बंटवारे चलते हैं, या प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, जब जनता और समूह में इस तरह की चर्चा होती है तो फिर आदमी सोचता है कि नहीं ठीक है, यदि राफेल हुआ भी होगा तो ठीक है, नरेंद्र मोदी पूरेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता ये भी कि आपके चिल्लाने भर से कुछ नहीं हो रहा है, आपके पास क्या है, आपका नेता कौन है, आपकी नीति क्या है, आपका चेहरा कौन है, उधर तो नरेंद्र मोदी है, आपका चेहरा कौन है इधर, और नरेंद्र मोदी, मेरा वही कहना है कि नरेंद्र मोदी की आज देश दुनिया में भारत की जो उन्होंने एक छवि बनाई है और एक इज्जतदार छवि बनाई है, दमदार छवि बनाई है, ठीक है उस पर थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी की जा सकती है कि वो देश में कम समय देते हैं, लेकिन जो भी है भारत, और ये भी सवाल किया जा रहा है कि भाई इतनी दमदार छवि के बाद भी जो है चीन ने आपको इन वक्त पे अंगूठा दिखा दिया, धता बता दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आदमी दोनों पढ़ने में तोलता है, तो जब उसको लगता है कि नहीं यार इस समय एक मौका और भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। अमेरिका में भी आप रहे हैं और अमेरिका में भी आपने जो है प्रेसिडेंट इलेक्शंस को देखा है, आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बारीक से देखते हैं, क्या नरेंद्र मोदी अपनी छवि जो कहते हैं कि इसको लार्जर देन करने वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसी छवि वो बना रहे हैं इस तरह के अभियान से, इस तरह के स्लोगन से, कि एक तरफ वो व्यक्तिवाद पे ले आना चाहते हैं कि पूरा चुनाव जो है व्यक्तित्व की छवि पर हो जाए, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कोई नहीं है, और राहुल गांधी अगर हैं तो बहुत ही बोने हैं, ये कोशिश की जा रही है क्या इस तरह के स्लोगन के माध्यम से? जैसे मैं बोला कि अब स्लोगन के माध्यम पर ही चुनाव लड़ा या जीता जा रहा है, खास मुद्दों के ऊपर नहीं, तो एज अ यूथ, एज अ बिजनेस, हम ये समझ रहे हैं कि राजनीति का स्तर भारत के अंदर गिर रहा है और गिरता जा रहा है, जिस हिसाब से अपन चोर की बात करें या चौकीदार की बात करें। अब बात यह रह गई है कि हम जो अभी बाहर से पढ़कर आए हैं, हम प्यार की राजनीति समझते हैं,
हम समझते हैं कि जो चीज़ प्यार से हासिल हो जाए, जो प्रेम पूर्वक चीज़ें हो जाए, उसके लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी छवि ही आपका सब कुछ है। तो अब अगर वो लार्जर देन लाइफ की भी छवि बनाना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट के ऊपर बन रही है? और अगर वो प्रवीण जी जिस हिसाब से बोले कि कांग्रेस के नेता अब अपनी छवि बेटर कर रहे हैं, तो वो तो अभी ये तीन राज्यों के चुनाव नतीजे और लोगों के वोटिंग से ही पता चल गया है कि क्या छवि बन रही है अब और किसकी कैसी छवि प्रकट हो रही है लोगों के सामने। देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वो ठीक है, उस समय बहुत सारे स्थानीय मुद्दे थे, 15 साल का एनकेएमबीसी फैक्टर था और भी कई बातें थी, आपस की गुटबाजी, अहंकार बहुत था। उसके बावजूद भी कांग्रेस बहुमत नहीं ला पाई, कुछ सीटें कम रह गई। लेकिन अब जो चुनाव होना है वो राष्ट्रीय मुद्दे पर होना है और बहुत कुछ छवि आधारित चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, और अब सारे चेहरे पर हो रहा है, चेहरे पे और सारे मुद्दे खत्म हो गए और अब एक 25-30-35 कितने भी दल है, किसी का जिक्र नहीं होता है, किसी का कोई, सारे मुद्दे खत्म हो गए और एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान पर हमला, राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये सबसे बड़े मुद्दे हो गए। तो क्या ये बीमार लोकतंत्र की निशानियां नहीं है राजा शर्मा? देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ चेंज एंड एक्सचेंज। उसमें रिलेवेंट बड़ा मैटर करता है कि अभी रिलेवेंट चल क्या रहा है। आपने तीन राज्यों का जिक्र किया, तीन राज्यों में क्या मुद्दे थे आप और मैं बेहतर जान सकते हैं कि चुनाव बहुत क्लोज कंटेस्ट में था, नेक टू नेक था, वहाँ विचारधाराओं का चुनाव नहीं था, व्यक्ति का चुनाव था। आप जब व्यक्ति का चुनाव करना होता है तो फिर ये ध्यान नहीं रहता है कि ये मुझे कमलनाथ को चुन रहा हूँ, सिंधिया को चुन रहा हूँ, शिवराज को चुन रहा हूँ कि मोदी को चुन रहा हूँ। अब आप छत्तीसगढ़ का रिजल्ट मतलब कांग्रेस के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी सीटें कांग्रेस को आ सकती है, क्या कांग्रेस के खुद नेता हमको बोलते हैं। और राजस्थान में जहाँ इतनी खराब पोजीशन थी, वहाँ से 23 बीजेपी, वहाँ वो बराबर आ गए। तो देखिए, ये है ना, मैं कह रहा हूँ कि आप याद कीजिए सर, 26/11/9/11 के हमलों पर बात करते हैं अपन। हमारे यहाँ जब हमला हुआ, उसके शायद इलेक्शन था, हमारे यहाँ असेंबली का इलेक्शन चल रहा था और राजस्थान की पोलिंग होना थी सेकेंड डे, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ उस रैंडमली स्पॉन्टेनियस उन दिनों में क्या हुआ, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। मैं भी आप जो एयर स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ ना, एयर स्ट्राइक अभी एट प्रेजेंट एक विषय हो सकता है सर, सेंटिमेंट्स का। हमारे इलेक्शन केवल संवेदनाओं पे लड़ा जाता है, सेंटिमेंट्स पे लड़ा जाता है। किसी बड़े राजनेता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पाप, उसके कर्म सब हट जाते हैं, उसके प्रति संवेदना, सिंपैथी, मतलब इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत आता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पोलिंग के एक वीक पहले क्या रेलेवेंट इशू है, वो बहुत मैटर करता है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि गुजरात इलेक्शन थे और गुजरात में फिर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नीच व्यक्ति है, बाजी पलट गई सर उस नीच शब्द से। मैं चुनाव कवर करने का इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैम बाजी पलट गई, लोगों ने कहा कि हमारे आदमी को नीच कहा, हम बताएंगे नीचता क्या होती है, और नीचे प्रियंका ने भी कहा था, ये दोनों। तो सर देखिए, रिलेवेंट इशू है ना, जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक जाता है वैसे वैसे मुद्दे बदलते जाते हैं। लेकिन ये जो आप बता रहे हो ना, वॉलंटियर से बात करना, डिस्कशन करना, ये दरअसल एक चुनाव की संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा होता है कि अब इनको सबको पहले एकोमोडेट किया जाए, गैदर्ड किया जाए, एजेंडा फिक्स किया जाए, और रोल मॉडल जो है नरेंद्र मोदी जी को, उनको इंडोर्स करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये एक डिस्कशन ऑफ प्लेटफॉर्म है, मैं बिजनेस की भाषा में इसको कहता हूँ, ये कम्युनिकेशन के माध्यम है सर, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 31 मार्च को करने वाले हैं, 500 जगह, ठीक है, 500 लोगों से। यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं, एजुकेशनलिस्ट बैठे हैं प्रतीक भाई, इन्हें इनके बड़े सेंटर हैं, स्किल इंडिया चलाते हैं, तो ये वीसी से इंटरेस्ट करते हैं कि मुझे आज यहाँ बैठूंगा और 5 सेंटर से वीसी से बात करूंगा, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट है स्किल पे बात करने के लिए, माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वैसे ही सब्जेक्ट है चौकीदार, लेकिन माध्यम है पॉलिटिकल डिस्कशंस का। आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि ये चुनाव प्रचार और प्रसार में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। जब तक आप कुछ समझते हो, जब तक राजा भाई, लेकिन मैं आपको यहाँ रोकता हूँ कि बहुत आगे मध्य प्रदेश में भी थी, बहुत आगे छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी थी, नतीजा तो नहीं आया, केवल चुनाव प्रचार से ही तो चुनाव नहीं जीता जाता। सर मैं आपको एक बात और कहता हूँ, देखिए आप इन तीनों जो असेंबली इलेक्शन हुए उसके अंदर व्यक्तिवाद आप और मैं बेहतर जान सकते हैं कि वसुंधरा का एडमेंसी, शिवराज सिंह चौहान का अपनी टीम को साथ नहीं लेकर चलने का खामियाजा, और उन 15-16 सीटों पर एडमेंट होकर टिकट लाना जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं थी, तो उनको लगने लगा था। जब प्रवीण जी की एक बात बहुत अच्छी रही कि विचारों पे चुनाव कहाँ हो रहा, व्यक्ति पे चुनाव हो रहा है ना, ईवीएम पे फोटो लगने वाला है सर, आपको मालूम है ना,
ईवीएम पे फोटो लगने वाले हैं इस चुनाव के अंदर, ईवीएम पे जब फोटो लगेंगे तो कमल का फूल या हाथ का पंजा से बड़ा व्यक्ति हो जाएगा, आप देखिएगा आने वाले समय में इसके फुटप्रिंट आज आपको मालूम पड़ेंगे। आप कहोगे अब विचारधाराओं की बात कहाँ है, कौन कमल के लिए फूल वोट मांग रहा है या पंजे के लिए वोट मांग रहा है, वोट व्यक्ति के लिए मांगे जा रहे हैं। इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा, व्यक्ति जब प्रभावी हो जाता है तो विचार गौण हो जाते हैं, ये विचारों की बात। प्रवीण खरीवाल, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि व्यक्तित्व की लड़ाई हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो कद है वो लार्जर देन लाइफ है। सर अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, अटल जी का तो और भी बड़ा था, अटल जी ने अटल जी ने अपने आप को प्रोजेक्ट कम किया, विचारधारा को उनके स्पीच में भी, उनने कमल को प्रोजेक्ट ज्यादा किया, यस उन्होंने पार्टी को ज्यादा प्रेजेंट किया, इसलिए तो वो प्याज पर हार गए, इसलिए वो प्याज पर हार गए। ये वाजिब आपका कहना कि मतलब विचारधारा, नरेंद्र मोदी ने पार्टी, नरेंद्र मोदी कहां भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं, नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि मोदी ने मारा पाकिस्तान को, अपने भाषणों में कहते हैं कि मोदी मार गया पाकिस्तान में चिल्ला रहे हैं और कांग्रेस पूछ रही है सवाल करते। मैं प्रवीण यही कह रहा हूँ कि क्या ये जो पूरा अभियान है, अगर जब ये जैसा कि राजा शर्मा कह रहे हैं कि व्यक्तित्व इतना कद्दावर हो गया है, तब तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाएगी और वो फिर वही मेरा वही शब्द है कि ट्रैप हो गई पार्टियां दूसरी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो नतीजे हमको नज़र आ रहे हैं, और एक सट्टा बाजार जो बहुत बड़ा कारक रहता है भारतीय राजनीति में, वो भी लगभग 260 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रहा है, जिसमें एयर स्ट्राइक के बाद से 30 सीटों का इजाफा हुआ है। ये तो आज नहीं होता, शशि थरूर ने भी कह दिया कि एयर स्ट्राइक के पहले कांग्रेस का माहौल अच्छा था। तो उसका मेन कारण यही है कि विपक्ष, जनता बदलना भी यदि चाहती है, जनता के पास यदि दुख दर्द भी है, नोटबंदी का दर्द है लोगों के पास, बहुत बड़ा दर्द है, पर जनता को बेहतर विकल्प नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ा इस समय एक रिक्तता है। और कांग्रेस पे और बिखरे हुए सपा पे, बसपा पे, ममता बनर्जी पे, इस पे जनता भरोसा नहीं करना चाह रही। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए और चुनाव के बाद कुछ संख्या का खेल इस तरह से हो कि सभी विपक्षी लोग मन मार के एक हो जाएं, जैसा भारतीय राजनीति में 2-3 मरतबा हुआ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस समय कोई एक देवगढ़ा, कोई एक गुजरात, कोई चंद्रशेखर, ऐसा कोई पैदा आ जाए तो वो भी फिर जनता को ये भी मालूम है कि इनका हश्र क्या होना है, क्योंकि सीटों के बंटवारे पे यदि ये लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं, के कारण जो सरकार चली जाती है, सरकार गिर गई थी, आपने दिल्ली पुलिस का एक हवलदार मेरे बंगले के बाहर खड़ा कर दिया, तो ये सबसे बड़ा इस समय राजनीति का सबसे बड़ा संकट है विश्वसनीयता का, और उसका पूरा फायदा नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। प्रतीक संघवी जी, इस स्थिति में जब व्यक्तित्व की लड़ाई बहुत भारी हो गई है, और आपने ही ये मुद्दा उठाया था इस डिबेट में कि बहुत गंभीर जो इश्यूज हैं उन पर कहीं हम बात नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि वो बीजेपी से ट्रैप भी ना हो और जो गंभीर इश्यूज हैं उन पर बात भी कर सके? कांग्रेस ऑलरेडी लोगों से जुड़ती जा रही है, जो पिछले 5 साल के अंदर जो मोमेंट चेंज हुआ है, और अगर वो इसी ट्रेंड के ऊपर आगे अपना काम करते रहें और प्यार की राजनीति करते रहे, तो आई एम प्रिटी श्योर आगे ना कहीं इनको एक सफलतापूर्वक रिजल्ट मिलेगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ एक दिक्कत ये भी है ना कि जो उनका नेतृत्व है उसका कद इतना बड़ा नहीं है, इसलिए तो उनको प्रियंका को लाना पड़ा। अब प्रियंका के आने के बावजूद भी कोई उत्तर प्रदेश में या बिहार में या पश्चिम बंगाल में कोई उनको घास नहीं डाल रहा। मायावती ने साफ कह दिया कि आप भ्रम मत फैलाओ, आप हमारे साथ नहीं हो, हम आपके साथ नहीं हैं। टीएमसी ने बात करने तक मंजूर नहीं किया। बिहार के अंदर वो लालू प्रसाद तो छोड़िए, उनका लड़का ही कह रहा है तेजस्वी कि हमने आपको 8-11 सीट दे दी है, बस इतने में रह लीजिए। 11 से 9 पे ले आए हो, 11 से 9 सीट पे ले आए। तो नेतृत्व इतना एक बड़ा कद भी तो होना चाहिए, सिर्फ प्यार की भाषा बोल के थोड़े आप चुनाव जीत सकते हो। नहीं, कद अगर बड़ा नहीं होता तो ये 3 स्टेट MP CG राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। ये तो तब तो प्रियंका नहीं थी, तब तो सिर्फ राहुल गांधी ही नेतृत्व कर रहे थे, और प्रियंका भी आज सिर्फ UP का एक छोर उनको दिया है, एक हिस्सा दिया है जिसके अंदर वो नेतृत्व कर रही है। बाकी सब जगह पर तो आज भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अभी उनका दौरा 7 सिस्टर्स पूरे चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तो वही कहलाएंगे। एक फोरी कमेंट्स में आप तीनों से चाहूँगा जल्दी जल्दी, समय इजाजत नहीं दे रहा। राय शर्मा, सबसे पहले आपसे कि चोर और चौकीदार की जो लड़ाई है ये निर्णायक साबित होगी,
निर्णायक रहेंगे देश के 15 करोड़ नए यंगस्टर वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो क्या सोच रहे हैं चोर और चौकीदार के मुद्दे पे, और वो ही डिसाइड हुए रहेंगे। दरअसल देखिए वोटिंग 3 प्रकार से होती है, एक फ्लोटेड वोटर होते हैं, एक फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं, एक माइंड सेट के वोटर होते हैं। माइंड सेट मतलब आज भी आप झाबुआ ट्राइबल एरिया में जाएगा तो पंजाब उनके लिए इंदिरा गांधी है, मोटा 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 माई मोटी माई का है, वो माइंड सेट का वोट है, उनको लगता है कि हमको जूस दिया कुछ दिया कांग्रेस ने दिया, वो माइंड सेट का वोट है। जो फ्लोटिंग और जो डिसाइडिव वोट होता है वो देश की दिशा और दिशा तय करते हैं। मेरा ऐसा मानना है ये 13 से 15 करोड़ जो नए वोटर हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं, ये देश की दशा और दिशा तय करेंगे। इन्होंने इस दौर में 5 साल में क्या महसूस किया, क्या उन्होंने हासिल किया, उसके आधार पर मतदान होगा। हो सकता है वो उनके ऊपर कांग्रेस के चार्जेस उन्होंने न देखे हो, न सुने हो, समझे हो, लेकिन उन्होंने यदि कोई प्रोडक्टिव काम मोदी जी के राज में देखा है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है, मेरी एक्सेसिबिलिटी इजी हुई है, मुझे टेक्नोलॉजी अच्छी हुई, मुझे स्किलिंग अच्छा मिल रहा है, मेरा इंटरनेशनल एब्रॉड कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे एजुकेशन अच्छा हो रहा है, तो ये पार्ट रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट भी बड़ा पार्ट रहेगा कि मुझे रोजगार मिला कि नहीं मिला, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मेरा सिंगल पिन पॉइंट कमेंट्स ये है कि दीज 13 और 15 करोड़ यंग एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड विल डिसाइड दिस इलेक्शन। चौकीदार और चोर मुद्दा नहीं रहेगा, नहीं बिल्कुल, ये मुद्दा रग रग में समा गया है, और मैं समझता हूँ कि इस मामले में नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली है, और समूचा विपक्ष खास करके कांग्रेस ये आखिरी तक इस बात पर सफाई नहीं दे पाएगा कि यदि ये चोर हैं तो आज़ादी से अब तक जो सत्ता में पार्टी रही उन्होंने क्या करा था। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक राजा भाई की बात है कि नए मतदाता निर्णायक होंगे, तो नए मतदाताओं में आप ये मान कर चलिए कि 90% लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। प्रतीक संघवी, मेरा मानना है कि मुद्दा जो राजा भाई ने भी बोला है कि रोज़गार एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो आज के स्थिति में हिंदुस्तान के अंदर सबसे उच्च स्तर पर है, यूथ जो ये लोग कह रहे हैं डिसाइडिंग वोट फैक्टर रहेगा, अगर आज 5 साल के अंदर कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इनके लिए, वुमेन सिक्योरिटी, दलित, ये सारी चीज़, आज का मतदाता जागरूक है, वो कहे सुनी बातों के ऊपर वोट नहीं देगा, और ये जो स्लोगन्स हैं ये कहीं ना कहीं 2 महीने के अंदर फेड हो जाएंगे, सक्सेस मेरे हिसाब से तो नहीं है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, राजेश शर्मा आपका, प्रवीण खारीवाल जी और प्रतीक संघवी जी। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि कांग्रेस चौकीदार को चोर कहने से बाज नहीं आएगी, इसलिए मुझे लगता है कि चोर बनाम चौकीदार का लड़ाई आखिर तक चलेगी, क्योंकि कांग्रेस बार बार चिल्लाएगी कि चौकीदारी चोर है, और नरेंद्र मोदी और उनके भक्तगण बार बार चिल्लाएंगे कि हम भी चौकीदार हैं, और आखिर में ये चुनाव इसी मुद्दे पे हो जाएगा कि देश की चौकीदारी कौन करे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि खूब मतदान कीजिए, ज़रूर मतदान कीजिए, और जागते रहिए साहब जी, ये लोकतंत्र की रात है, इसको जाग कर ही देखना पड़ेगा, ताकि जो सवेरा हो, जो आने वाला सूरज हो, वो ज़्यादा भविष्य के साथ, ज़्यादा उम्मीदों के साथ निखरे। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।